पीएम बोले कैदी को सिर पर उठाकर नाच रही कांग्रेस, लालू पर तंज। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा था मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना ही चाहिए। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लालू ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये बात जनता समझ गई है। लालू मंगलवार को एमएलसी के शपथ ग्रहण में राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में चुनावी सभा के दौरान लालू के बयान पर पलटवार किया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस चुप है, लेकिन आज उनके एक सहयोगी दल ने एनडीए गठबंधन के इरादों की पुष्टि कर दी है। उनके नेता जो चारा घोटाले के मामले में जेल में हैं और कोर्ट में सजा पा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, सिर्फ आरक्षण नहीं, उनका कहना है कि मुसलमानों को मिलना चाहिए पूर्ण आरक्षण। इसका अर्थ क्या है? ये लोग एससी एसटी और ओबीसी समुदाय को मिला सारा आरक्षण छीन कर मुसलमानों को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं। बता दें कि पीएम मोदी लगातार एनडीए गठबंधन के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पिछड़ा ओबीसी के आरक्षण को छीन कर मुसलमानों को देना चाहते हैं, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होता है। लालू ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मंडल कमीशन मैंने लागू किया था, आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, तीसरे चरण का रुख हमारे पक्ष में है। 400 पार की बात ये मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए बोल रहे हैं, ये लोग 200 भी नहीं पार कर रहे हैं, ये लोग दलित पिछड़ा विरोधी हैं। अमित शाह पर भी लालू ने साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अगर एनडीए गठबंधन सत्ता में आई तो देश में जंगल राज हो जाएगा वाले बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इतना डर गए हैं कि वह सभी को भड़का रहे हैं। साथ ही एनडीए के 400 पार के नारे पर कहा कि वो खुद ही पार हो गए हैं, इसलिए 400 पार बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष मुद्दे की बात नहीं करता है, हर चीज में हिंदू मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म होने की बात करते हैं। किसने बोला आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा? किसने बोला कि लोकतंत्र खतरे में है? जिन लोगों ने सही मायने में देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की, वह लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लोगों को डरा कर वोट हासिल करना चाहते हैं। 2015 में भी इसी तरह से आरक्षण खत्म करने की बात कहकर वो हल्ला मचाया था, एक तरफा चुनाव कर लिया था। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, वह संविधान को खत्म करने का प्रयास करेंगे। वह लोग खुद सही मुद्दा नहीं उठाते हैं, जात पात धर्म मजहब लोगों को डराना धमकाना विपक्ष के नेताओं की राजनीति का केंद्र बन चुका है। ये बातें लोजपा रा सुप्रीमो चिराग पासवान ने तब कही जब वे वोट देने के लिए बखरी में पहुंचे। बीजेपी बोली इंडी वालों के लिए मुसलमानों का तुष्टिकरण पहली प्राथमिकता। लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू यादव और पूरे इंडी गठबंधन के लोगों के लिए मुसलमानों का तुष्टिकरण पहली प्राथमिकता है। लालू प्रसाद के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस देश में विपक्ष मुसलमानों के तुष्टिकरण और मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुसलमानों को खुश करने के लिए लालू प्रसाद और उनके साथी पिछड़ों और अति पिछड़ों की हक मारी में भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।